ओके, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज लेट मी नो आप लोगों का क्या शेड्यूल में पता है आप लोगों को, आप लोगों का टेस्ट किस चीज़ का है 11 जुलाई को, दिस सैटरडे, क्योंकि वो थोड़ा चेंज हुआ था तो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का टेस्ट किस चीज़ का है. यस सिकरा इस सैटरडे डीएम है, लेकिन व्हाट आर द टॉपिक्स, कॉम्पोजिट्स एंड एंड रमजा टॉपिक्स के नाम बताओ. नहीं कॉम्पोजिट्स बस नहीं है, कॉम्पोजिट्स के साथ आप लोगों को क्या पता है, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड का पता है या फिर बॉन्डिंग का पता है, किस चीज़ का आप लोगों का टेस्ट है, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड या बॉन्डिंग. ओके बॉन्डिंग, दैट्स गुड. आप लोगों के प्रीवियस शेड्यूल में कॉम्पोजिट्स एंड डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड था. आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नो कि आप लोगों का टेस्ट कॉम्पोजिट्स एंड बॉन्डिंग है, उसमें बॉन्डिंग के भी सारे चैप्टर्स हैं, उसमें कंपोजिट भी कंप्लीट है. ओके एंड इफ सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लास टुडे, आप लोगों की एक कोर्स रिलेटेड मीटिंग हुई थी यूएचएस की, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में होगा. जिन लोगों की सप्ली के एग्ज़ाम्स होने हैं दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. आप लोगों को 10-15 दिन पहले मैक्सिमम पता चल जाएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों ने फिर जुलाई में अपेयर होना है उसके लिए. तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, तो जिन लोगों की सप्ली है दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास आप लोग भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों के भी एक्सपेक्टेड एग्जाम्स सेम डेट्स में हैं जो कि पहले होती थी, दैट इज़ नवंबर. बिकॉज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज हैज सेड इन अ मीटिंग दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी स्टूडेंट विदाउट एग्जाम, नंबर वन. तो यू शुड नॉट बी होपिंग फॉर दैट कि आप लोगों का कोई भी स्टूडेंट बगैर एग्जाम के, जैसे FSC के स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए थे, उस तरह से प्रमोट होगा. यस कोरोना में दैट्स व्हाट वाइस चांसलर हैज सेड कि आप लोगों का कोई भी स्टूडेंट बगैर एग्जाम के, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज का डॉक्टर जावेद अक्रम, ही इज़ नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी स्टूडेंट. तो एग्जाम आपका होगा फॉर श्योर, नंबर वन. नंबर टू, और एग्जाम बहुत लेट भी नहीं होगा बिकॉज ही हैज ऑल्सो सेड दैट ही इज नॉट गोइंग टू लेट दिस पेंडेमिक वेस्ट योर ईयर. दैट इज़ अप टू देम, 10 घंटे पहले वो कर सकते हैं, ही इज़ वाइस चांसलर, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ना कैंसिल करें तो फिर तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए ना. यस यू शुड ऑल राइट एन एप्लीकेशन अगेंस्ट दैट, ऐसे तो Nobody is going to help you. नहीं, ऑनलाइन इंशाल्लाह 2 ईयर्स में कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग ऑनलाइन पेशेंट चेक नहीं करोगे. सो कैन यू प्लीज गिव अ ब्रीफ व्यू अबाउट दिस ऑनलाइन सिस्टम, व्हाट इम्प्रूवमेंट शुड बी डन, मतलब आप लोगों को कैसे समझ नहीं आता और कैसे आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सकता है.
things you want us to incorporate for you. ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप लोगों का एग्जाम थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा. वो भी उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू पोस्टपोन द एग्जाम, नंबर वन. नंबर टू, ही इज नॉट गोइंग टू डिले द एग्जाम. क्या किसी भी स्टूडेंट का कोई भी साल जाया या कोई भी बिलाल कॉलेज का अभी तक कोई पता नहीं है. फैकल्टी तो अकॉर्डिंग टू HEC शायद 15 जुलाई से सारी ऑन हो जाए कॉलेज में आया करे, लेकिन आप लोगों को कब आने देते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और उसका अभी कोई पता नहीं है. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन पंजाब फॉर यू गाइस, के पंजाब में क्या सिचुएशन है, कोरोना के पेशेंट्स कितने हैं, कितना कंट्रोल है. लेकिन आई गेस अगस्त सेप्टेम्बर तक तो मुश्किल है कि आप लोगों को बुलाएं कॉलेज. वी आर ऑन जॉब, हमें बुला रहे हैं. वी आर ऑन जॉब. सेकेंडली वी ऑप्टेड फॉर इट. हाफ ऑफ द फैकल्टी इज टेकिंग लेक्चर्स फ्रॉम होम. कोरोना प्रोटेक्टिव वो लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका है, दे हैव गॉट एंटीबॉडीज. सो इज एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा पोस्टपोन भी नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर जावेद अकरम ने साल ज़ाया नहीं कराना किसी स्टूडेंट का, और एग्ज़ाम आपका कैंसिल भी नहीं होगा. कोई स्टूडेंट ऐसे प्रमोट भी नहीं होगा, एग्जाम भी देना पड़ेगा. इसलिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की जो डेट शीट्स भी बन रही हैं वो टेंटेटिव डेट शीट्स नवंबर की ही हैं, जिस तरह से पहले एग्जाम्स होते थे उसी तरह से. ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आप लोगों को फेवर मिली तो ये होगी कि एग्ज़ाम थोड़ा सा लीनियंट होगा. लेकिन UHS का एग्ज़ाम थोड़ा सा लीनियंट हो के भी बहुत ज़्यादा लीनियंट नहीं होगा. तो आगे आप लोगों के बहुत सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, तो ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दोज रिवीजन क्लासेस. यू कैन राइट इन चैट ग्रुप्स, आप लोग पूछो. यहाँ पे तो वो कुछ लोग शाय होते हैं, क्लास में नहीं पूछ सकते, यहाँ पे तो वो भी मसला नहीं है. अल्लाह मालिक है री इन्फेक्शन का भी. अनफाल दैट्स अ पॉइंट, पहले 5-6 months पहले आ जाती है, लेकिन इस बार 5-6 months पहले नहीं आएगी. इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि डॉक्टर जावेद अकरम के करेंटली प्लान्स ये हैं. तो आपकी डेट शीट हो सकता है 15-30 days पहले आए, तो इसलिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. उनका अभी तक कोई प्लान नहीं है पोस्टपोन करने का बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम. ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो एक महीना हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं. सप्ली वाले ये करेंगे कि सप्ली वाले पहले तो अपनी सप्ली का एग्ज़ाम क्लियर करें, उसके लिए फ़ौरन से पढ़ना शुरू करें, बिकॉज इट्स 6th of July. तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो. आप लोगों का भी मोस्ट प्रोबेबली बाय द मिड ऑफ जुलाई या एंड तक शायद आप लोगों को बता दें एग्ज़ाम का. लेकिन दे आर वर्किंग ऑन इट के जल्द से जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम ले लें और सारा सिस्टम प्रोसेस में करें. खैर स्टिल डॉक्टर जावेद अकरम जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं आते ही कैन नॉट डू एनीथिंग. ये उनके प्लान्स हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. नंबर 3, यू नीड टू टेल मी द टॉपिक्स जो आप लोगों ने रिवाइज कराने हैं, जो आप लोगों को समझ नहीं आए हुए, जो आप लोग चाहते हो कि हम दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करें, दोबारा से पढ़ाए जाएं, दोबारा से डिस्कस किए जाएं, दोबारा से उनके ट्यूटोरियल्स हों. बिकॉज आप लोगों का सेरेमिक्स के बाद कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों की रिवीजन क्लासेज हैं, ट्यूटोरियल्स हैं. तो यू हैव गॉट 4 lectures in a week, तो यू गाइज नीड टू टेल अस
कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों को समझ नहीं आए हुए, कौन से टॉपिक्स रिपीट होने चाहिए, तो वो हम टाइम टेबल में एडजस्ट करके आप लोगों को पढ़ा देंगे, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, उनका ट्यूटोरियल हो जाएगा। सप्ली वालों को मेरा ख्याल है वो जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स हैं वो अभी नहीं रखवाने चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप लोग कुछ दिनों में आपका पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कब है तो आप लोग उधर बिजी हो जाएंगे। तो अफशीन योर कैमरा इज़ ऑन, आप लोगों ने उधर बिजी हो जाना है एग्ज़ाम में, तो इस वजह से आप लोग वो टॉपिक्स अभी ना रखवाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आप लोगों का दिमाग उधर ही रहेगा इन द टेंशन ऑफ दैट सप्लीमेंट्री एग्जाम। सप्लीमेंट्री एग्जाम के बाद वो वाले टॉपिक्स जो बिल्कुल स्टार्ट में थे वो आप लोग बताना, वो कर देंगे कवर। खैर एनीवेज ये आप लोग सोचना, अपनी अपनी जो जो टॉपिक्स मैक्सिमम लोग कहेंगे वो रिवीजन में और ट्यूटोरियल्स में आ जाएंगे। यू कैन टेल मी नाउ, यू कैन टेल इन द ग्रुप, एनीवेयर, लेकिन बता देना। चैप्टर 3 से ऑनवर्ड्स चैप्टर 6 तक, अच्छा यस, सिलेबस का पता नहीं चला आप लोगों का, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर हो गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। आप लोग ये काम करो, उसमें ग्रुप में भेज देना, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाएगा, जब आप लोगों के टाइम टेबल्स बनेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी वहाँ से देखना कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आए हुए, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा स्टूडेंट्स वोट करते हैं कि हमें रिवाइज कराने चाहिए। स्टार्टिंग विथ टुडेज लेक्चर, आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर थोड़ा सा एरिया है रीस्टोर करने के लिए, थोड़ी सी कैविटी है, कोई छोटी सी कैविटी है, तो उसके लिए हमने कोई एस्थेटिक फिलिंग करनी है तो हम कंपोजिट की करेंगे। GIC भी वाइट कलर की होती है, लेकिन GIC की एस्थेटिक्स उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसकी सरफेस बहुत एब्रेडेड होती है और वो डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द टूथ सरफेस। कंपोजिट की बॉन्डिंग, कंपोजिट का टेक्सचर ऐसा है कि वो दांत के साथ की लगती है, इसलिए वो एस्थेटिकली ज़्यादा बेहतर है। प्लस इट्स अ परमानेंट रेस्टोरेशन, वेयर GIC इज अ टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन। लेकिन जहाँ पे हमें ज़्यादा एरिया कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हमें क्राउन देना है, तो क्राउन देने के लिए, इस तरह की प्रोसेस देने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आती हैं उसमें ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन आती हैं जो पूरी सिरेमिक की बनी हुई होती हैं, या पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल PFM रेस्टोरेशन आती हैं। पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल का मतलब था बाहर से पोर्सलिन होगा वाइट कलर का, क्राउन अंदर से मेटल होगा, यानी कि क्राउन बेसिकली मेटल का होगा, उसके ऊपर पोर्सिलिन की फायरिंग हुई हुई होगी, तो वो बाहर से एस्थेटिक लुक देने के लिए वाइट कलर का रेस्टोरेशन होगा। सो ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन की 5 टाइप्स आप लोगों को पढ़ाई थी। नंबर 1 वाज कंडेंस सिंटर्ड। कंडेंस सिंटर्ड में ट्रेडिशनल फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन जैकेट क्राउन था, जिसमें मेटल नहीं है, सिर्फ पोर्सलिन है, और इसमें ट्रेडिशनल फेल्डस्पैथिक टाइप ऑफ पोर्सलिन इज यूज्ड। सेकंड इसकी सब टाइप थी पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एलुमिना स्कोर, जिसमें एलुमिना का एलुमिना क्रिस्टल्स का कंटेंट ज़्यादा होगा। थर्ड वाज सिरेमिक जैकेट क्राउन विद ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड कोर, इसमें ल्यूसाइट का कंटेंट्स ज़्यादा होगा। इसमें आप लोगों को बताया था कि ये कम्प्लीटली पोर्सिलीन जैकेट क्राउन कम्प्लीटली पोर्सिलीन का होगा, तो कम्प्लीटली पोर्सिलीन यानी कि पोर्सिलीन मेटल के ऊपर रेस्ट नहीं करेगा। तो खाली हमने जब पोर्सिलीन का बनाना है तो हमें कोई बेस चाहिए, कोई मैट्रिक्स चाहिए जिसके ऊपर हम फैब्रिकेट कर सकें, तो वो प्लेटिनम फॉयल की मैट्रिक्स बेस के ऊपर कंस्ट्रक्ट करके बाद में प्लेटिनम फॉयल को
डिस्कार्ड कर देते हैं निकाल के, और पोर्सिलीन तब तक हार्ड हो चुका होता है, पोर्सिलीन जैकेट क्राउन को हम यूज़ कर लेते हैं. दीज वर थ्री सब टाइप्स ऑफ द टाइप कंडेंस सिंटर्ड. नेक्स्ट वॉज कास्ट ग्लास सिरेमिक्स, देन इंजेक्शन मोल्डेड, फिर स्लिप कास्ट और फिर मिलर्स. कंडेंस सिंटर्ड में ये जो तीन टाइप्स थी ये आपको पढ़ा दी थी, कास्ट ग्लास सिरेमिक्स और इंजेक्शन मोल्डेड जिसको प्रेसेबल सिरेमिक्स भी कहते हैं. इसमें कास्ट ग्लास भी आप लोगों ने पढ़ लिया था, कुछ पोर्शन जो उसका रह गया था वो, और इंजेक्शन मोल्डेड दैट इज़ प्रेसेबल सिरेमिक्स, ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में डॉक्टर मेविश पढ़ाएंगी. आज हमने टाइप फोर पढ़नी है, दैट इज़ स्लिप कास्ट ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स. इसकी आगे से थ्री सब टाइप्स हैं, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एलुमिनस कोर रेस्टोरेशंस, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पिनल कोर रेस्टोरेशंस, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड जर्कोनिया कोर रेस्टोरेशंस. अब ग्लास इनफिल्ट्रेटेड से याद रख लेना कि ग्लास इनफिल्ट्रेटेड का मतलब ये है कि ये ऐसे सिरेमिक्स होंगे, ऐसी रेस्टोरेशन होंगी जिसमें ग्लास इनफिल्ट्रेट करेगा पोरस स्ट्रक्चर में. ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एलुमिनस कोर रेस्टोरेशन को हम इन सेरम कहेंगे, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पिनल कोर रेस्टोरेशन को हम इन सेरम स्पिनल कहेंगे, और ग्लास इनफिल्ट्रेटेड जर्कोनिया कोर को हम इन सेरम जर्कोनिया कहेंगे. इन सेरम खाली हुआ तो उसका मतलब है कि उसमें एलुमिनस कोर है, इन सेरम स्पिनल का मतलब है कि उसमें स्पिनल कोर है, और इन सेरम जर्कोनिया का मतलब है इसमें जर्कोनिया कोर है. और ये तीनों सब टाइप्स हैं स्लिप कास्ट ग्लास इनफिल्ट्रेटेड टाइप ऑफ सिरेमिक्स की. ये आप लोगों ने पढ़ लिया था. ओके, these are basically specialized core ceramics reinforced by a unique glass infiltration process. ये टाइप्स पहले आप लोगों को अभी पिछली स्लाइड में बताई हैं, डिपेंडिंग ऑन द कोर मटेरियल. आगे से इसकी तीन जो टाइप्स हैं, एक में एलुमिना कोर हो तो उसको इन सेरम एलुमिना या खाली इन सेरम कहेंगे, स्पिनल कोर हो तो उसको इन सेरम स्पिनल कहेंगे, और जर्कोनिया कोर हो तो उसको हम इन सेरम जर्कोनिया कहेंगे. ये तीनों ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स की टाइप्स हैं. ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स को हम स्लिप कास्ट सिरेमिक्स भी कहते हैं. तो बेसिकली ये जो ग्लास इनफिल्ट्रेटेड या स्लिप कास्ट सिरेमिक्स है, दे आर सप्लाइड एज ऑक्साइड पाउडर्स. इसमें ये जो थ्री टाइप्स हैं, एलुमिना एक में है, एक में स्पिनल है, एक में जर्कोनी है, ये इनकी ऑक्साइड्स आती हैं. विथ मिक्सिंग लिक्विड्स, ग्लास पाउडर एंड विनेरिंग सिरेमिक्स. तो बेसिकली ये कॉम्पोजिशन भी ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स की यही है कि उसमें एलुमिना हो, स्पिनल हो या जर्कोनिया हो, तो वो ऑक्साइड पाउडर की फॉर्म में आएंगे, जो कि जिसके साथ एक मिक्सिंग लिक्विड होगा. इसमें ग्लास पाउडर होगा जो इनफिल्ट्रेट कर जाएगा इनमें से किसी भी कोर के अंदर, इसलिए इसको ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स कहेंगे. ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एलुमिना कोर और इन सेरम एलुमिना इज बेसिकली यूनिक ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस क्लेम्ड फॉर इंटीरियर फिक्स्ड पार्शियल डेंचर फैब्रिकेशन. द ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस कंपेंसेट्स फॉर फायरिंग श्रिंकेज. The final core after completion of glass infiltration is made up of 70% alumina and 30% sodium lanthanum glass. Basically, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा यूनिक टाइप का सिरेमिक है जिसमें ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज होता है. ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि ग्लास पाउडर इज़ इनफिल्ट्रेटेड
into the respective core, be it alumina, be it spinel, be it zirconia. And it is mostly used for fixed partial dentures of anterior teeth. Anteriors mean jab a fixed partial denture dena ho, short span bridge banana ho, short span denture banana ho, to us case mein ye type use karenge. और इसको पोस्टीरियर के क्राउन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एंटीरियर के क्राउन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन में क्या होगा, एलुमिना ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और इनफिल्ट्रेशन ग्लास पाउडर. मैंने आपको बताया कि इसमें थ्री जो टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स में एलुमिना कोर है, एक में जिसमें आपको इनसेरम या इनसेरम एलुमिना कहते हैं, एक में स्पिनल कोर हो सकता है जिसमें जिसको इनसेरम स्पिनल कहते हैं उसमें स्पिनल कोर होगा, एक थर्ड टाइप हो सकती है इसकी जिसमें हम यूज़ करेंगे एक और टाइप का कोर और उसको जर्कोनिया कोर को इन सेरम जर्कोनिया कहेंगे. तो ये थ्री टाइप्स के ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एलुमिना हो सकते हैं. तो ये तो बेसिकली जो कोर है उसके ऊपर ग्लास पाउडर डालते हैं और वो ग्लास पाउडर इनफिल्ट्रेट कर जाता है इस कोर के अंदर, इसलिए इस ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस की वजह से इसको ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक कहते हैं या स्लिप ग्लास सिरेमिक कहते हैं. और इस ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस का पर्पस बेसिकली ये कि कंपेंसेट करता है फायरिंग श्रिंकेज को. जितनी श्रिंकेज फायरिंग प्रोसेस में ड्यूरिंग द क्राउन प्रिपरेशन फायरिंग प्रोसेस में जितनी श्रिंकेज होती है मटेरियल की उसकी कंपेंसेशन हो जाती है ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से. अब इसको बनाते कैसे हैं ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स या स्लिप कास्ट सिरेमिक्स की फैब्रिकेशन, इसमें बेसिकली दो डाई रिक्वायर होते हैं, एक स्टोन डाई, डेंटल स्टोन से बना हुआ डाई, डाई इज पॉजिटिव रेप्लिका, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अ सिंगल टूथ. तो इस केस में ये डाई होगा प्रिपेयर टूथ का जिसका हमने क्राउन बनाना है, जिसकी कटिंग हुई भी होगी. तो इस हमें दो डाई चाहिए होंगे इस तरह से फैब्रिकेट करने के लिए, एक डेंटल स्टोन से बना हुआ एंड द अदर जो रिफ्रैक्ट्री मटीरियल से बना हुआ होगा. तो फर्स्टली अ मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एलुमिना पाउडर, फॉर एग्जांपल हम इन सेरम टाइप ऑफ ग्लास इनफिल्ट्रेटेड या स्लिप कास्ट सिरेमिक बना रहे हैं जिसमें हमने एलुमिना को रखना है, तो मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एलुमिना पाउडर विल बी एडेड स्लोली टू अ बीकर दैट विल बी कंटेनिंग 1 ampule ऑफ मिक्सिंग लिक्विड, जो कि इसके साथ ही आता है पाउडर के साथ ही मैन्युफैक्चरर की तरफ से. और इसमें एडिटिव लिक्विड इज आल्सो एडेड और ये सारा प्रोसेस स्पेशल अल्ट्रासोनिक यूनिट में किया जाता है जिसको मिक्सिंग यूनिट भी कहते हैं. उसके अंदर बीकर के अंदर 1 ampule ऑफ मिक्सिंग लिक्विड होगा जिसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता एलुमिना पाउडर ऐड करते जाएंगे. इस मिक्सर में पानी बहुत चिल्ड होगा, दैट विल बी चिल्ड यूजिंग आइस क्यूब्स. ये जो एक प्रिपेयर हो जाएगी स्लिप, इट शुड बी स्मूथ एंड होमोजीनस, यू शुड हैव अ थॉरो मिक्सिंग जो कि इसमें होती है मिक्सिंग यूनिट में. दिस स्लिप इज अप्लाइड ऑन टू द रिफ्रैक्ट्री डाई यूजिंग स्लिप कास्ट मेथड. इसको ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक कहते हैं क्योंकि इसमें इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज होता है, ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज होता है. ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस कंपेंसेट करता है फायरिंग श्रिंकेज को और ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि उसमें ग्लास पाउडर जब कोर के ऊपर लगाया जाएगा तो वो ग्लास इनफिल्ट्रेट कर जाएगा कोर के अंदर, इसलिए इसको ग्लास इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. तो इसमें जिस टाइप का हमने कोर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ये मैनुफैक्चर कर रहे हैं एलुमिना कोर वाला ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक, तो इसमें हम ये करेंगे कि एलुमिना पाउडर को स्लोली ऐड करेंगे बीकर में जिसमें लिक्विड प्रेजेंट होगा, मिक्सिंग लिक्विड जो कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से आता है, इट्स नॉट वाटर. और ये
अल्ट्रासोनिक मिक्सिंग यूनिट में इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड वाटर एक होमोजेनस मिक्स बना लेंगे जिसको स्लिप कहेंगे. इस स्लिप को, एक स्लरी को, इस मिक्सचर को अप्लाई कर देंगे रिफ्रैक्टरी डाई पे यूजिंग स्लिप कास्ट मेथड. दैट इज द वाटर फ्रॉम द स्लरी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पोरस डाई लीविंग अ डेंस लेयर ऑफ एल्यूमिना ऑन द सर्फेस. अब स्लिप कास्ट मेथड क्या है कि जब डाई के ऊपर रिफ्रैक्टरी मटेरियल का जो बना हुआ डाई होगा, मैंने कहा था दो टाइप के डाई चाहिए होंगे, एक डेंटल स्टोन वाला और एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल. रिफ्रैक्टरी मटेरियल वाला जो डाई बना हुआ होगा उसके ऊपर जब हम ये स्लिप, ये मिक्सचर, ये स्लरी लगाएंगे तो पानी रिफ्रैक्टरी मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है उसके अंदर, सॉरी जितना मॉइस्चर है, जितना पानी है या लिक्विड में जितने भी उसके कंपोनेंट्स लिक्विड वाले, वो सारे एब्जॉर्ब कर लेगा और स्लिप को जो ऊपर मटेरियल लगाया है उसको ड्राई कर देगा. दिस इज कॉल्ड स्लिप कास्ट मेथड. द स्लिप शुड नॉट बी अलाउड टू ड्राई आउट अंटिल द कोपिंग इज कंप्लीट. द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल एन एल्युमिना कोपिंग सफिशिएंट थिकनेस इज ऑब्टेन्ड. इसी तरह से हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल का जो डाई बनाया हुआ है प्रिपेयर टूथ का, उसके ऊपर हम एल्युमिना पाउडर जो कि हमने मिक्स किया हुआ है एक लिक्विड में और उसका एक स्लिप बनाई हुई है, उसकी एक स्लरी बनाई हुई है, उस मिक्सचर को हम उस रिफ्रैक्टरी मटेरियल के डाई के ऊपर लगाते जाएंगे. उसके जो मॉइस्चर है वो सारा एब्जॉर्ब होता जाएगा रिफ्रैक्टरी मटेरियल में और ऊपर एक ड्राई एलुमिना लेयर बन जाएगी. तो जब तक हमारे पास ये एलुमिना लेयर एक रिक्वायर्ड थिकनेस की ना बन जाए, इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, द फ्रेजाइल स्लिप कास्ट एलुमिना कोपिंग इज ड्राइड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स. 2 आवर्स के लिए से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो एलुमिना कोपिंग हमारे पास बनी होगी इसको हम ड्राई करेंगे. ड्राई करने के बाद इसको हम हीट करेंगे इन सेरामिक फर्नेस में फॉर 10 आवर्स एट 1120 डिग्री सेंटीग्रेड. पहले ड्राई कर लिया, सबसे पहले तो स्लिप कास्ट मेथड से उसका मॉइस्चर सारा रिफ्रैक्टरी मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर लिया, एलुमिना कोपिंग बन गई. उस कोपिंग को फिर हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 2 आवर्स ड्राई करेंगे. फिर हम उसकी सिंटरिंग करेंगे. सिंटरिंग इज हाई ग्रेड हीटिंग दैट विल बी फॉर 10 आवर्स एंड इट विल बी एट 1120 डिग्री सेंटीग्रेड. आफ्टर सिंटरिंग प्रोसेस द कोपिंग्स विल बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी क्रैक्स यूजिंग अ स्पेशल डाई. इसके ऊपर अपने एक स्पेशल टाइप का डाई होता है वो लगाएंगे और उस डाई को लगा के हम देखेंगे कि कहीं पे इसमें कोपिंग में क्रैक तो नहीं है. तो बेसिकली रिफ्रैक्टरी मटीरियल के डाई के ऊपर हमने एक एलुमिनिया की कोपिंग बना ली है और उस एलुमिना की कोपिंग पे फिर हमने चेक किया है कि कोई क्रैक तो नहीं है विद द हेल्प ऑफ आवर डाई. नेक्स्ट इज देन ग्लास इनफिल्ट्रेशन. देन जिस बेस पे ये नाम है ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक, एक ग्लास पाउडर विल बी मिक्स्ड विद डिस्टिल्ड वाटर. 1 or 2 थिक कोट्स, ईच कोट ऑफ 1 to 2 millimeter विल बी अप्लाइड ऑन द सिंटेड दैट इज हीटेड एलुमिना कोपिंग. उसकी आउटर सरफेस पे अप्लाई करेंगे एंड फायर्ड फॉर 2 to 3 hours एट 1110 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन अ प्लैटिनम फॉयल. द ग्लास मेल्ट्स एंड इनफिल्ट्रेट्स इनटू द पोरस एलुमिना कोपिंग थ्रू कैपिलरी एक्शन. आई होप एवरीबडी इज विद मी. हमने सबसे पहले रिफ्रैक्टरी मटेरियल का डाई फैब्रिकेट किया, उस डाई के ऊपर हमने एलुमिना पाउडर को लिक्विड में मिक्स जो किया था मिक्सिंग यूनिट में उसको अप्लाई किया. उसके अंदर से जो मॉइस्चर था वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल ने अब्सॉर्ब कर लिया. फिर हमने जो एलुमिना कोपिंग बनी इसको हमने ड्राई किया 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए. उसके बाद हमने 10 घंटे के लिए इसको हीट किया 1120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दैट इज सिंटरिंग. इस सिंटरिंग के बाद इसको चेक किया डाई लगा के कि कहीं पे क्रैक तो नहीं है. उसके बाद इसके ऊपर हमने ग्लास कोटिंग करनी है. अब ग्लास कोटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लास पाउडर को मिक्स करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ और डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिक्स करके इसकी 1 या 2 थिक कोट्स लगा देंगे एलुमिना कोपिंग के ऊपर.
and it will be again heated fired for 2 to 3 hours at 11-10 degree centigrade on a platinum foil. उससे क्या होगा, इस दोबारा हीटिंग से वो जो ग्लास पाउडर डिस्टिल वाटर में मिक्स हुआ हुआ था, वो जो एक मिक्सचर की थिक कोटिंग लगाई थी, वो ग्लास मिक्स होना मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और मेल्ट होके इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा एलुमिना कोपिंग के अंदर थ्रू कैपिलरी एक्शन. द एक्सेस ग्लास विल फॉर्म अ ग्लासी लेयर ऑन द सर्फेस विच इज ट्रिम्ड बाई यूजिंग स्पेशल डायमंड बर्स. जो कैपिलरी एक्शन से इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा एलुमिना कोर के अंदर, वो तो स्ट्रेंगल करके फिक्स हो जाएगा. जो ऊपर ऊपर रह जाएगा वो बाद में हम उसकी ट्रिमिंग कर लेंगे यूजिंग अ डायमंड बर एंड देन सैंड ब्लास्टिंग विल बी कैरिड आउट. अ ग्लास कंट्रोल फायरिंग ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इज कैरिड आउट. द कोपिंग इज देन बिल्ट अप यूजिंग स्पेशल विनेरिंग सेरेमिक्स. ये हमारे पास जो क्राउन प्रिपेयर हुआ है जिसके अंदर एलुमिना का कोर है, एलुमिना की कोपिंग है और उसके ऊपर हमने ग्लास पाउडर डिस्टिल वाटर में मिक्स करके उसकी कोटिंग लगाई और वो इन्फिल्ट्रेट कर गया मेल्ट करके एलुमिना कोर के अंदर, और जो कुछ ऊपर रह गया वो हमने बर्स से रिमूव कर दिया डायमंड बर्स से. इसको दोबारा से अच्छी तरह से हीट किया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसके बाद इसकी सरफेस पे विनेरिंग सिरेमिक्स, हाई क्वालिटी सिरेमिक्स की कोटिंग कर दी. Any questions so far? Ikra Shahina, easier hai. Shahina, padho aap log. Why no Shahina? Shahina, padho. But your book. Is Philips basically. लेकिन फिलिप्स से बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती. शाहीना अच्छी नहीं लगती, फिलिप्स अच्छा लगता है. तो याद नहीं रहती यार. शाहीना नुसरत काफी इजी बुक है लेकिन उसमें ये कि उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, दैट इज गुड. उसमें कुछ चीज़ें बहुत क्लियर, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं जो फिलिप्स में आपको समझ नहीं आती. कुछ चीज़ें फिलिप्स में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं जो आपको वहाँ से समझ आ जाती हैं. तो इट्स नॉट कि आपने एक बुक को शुरू करना है दूसरी बुक को बिल्कुल छोड़ना है. फिलिप्स शाहीना दोनों पढ़नी है. जो चीज़ जहाँ से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए वो चीज़ वहाँ से फॉलो कर लो. लेकिन पॉइंट ये है कि जहाँ तक भूलने का है तो वो सिर्फ शाहीना नहीं भूलेगी, आपको फिलिप्स भी भूलेगी, क्योंकि डेंटल मटेरियल सब्जेक्ट ही ऐसा है जो कि बहुत जल्दी आप ग्रैस्प नहीं कर सकते, नंबर वन. दूसरा ये भूलता हुआ जल्दी है और इट इज़ अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट जो बार बार आपके जहन से निकल जाता है. सो बेस्ट वे इज कि आप इसको बार बार पढ़ो, मतलब जितनी दफ़ा रिवाइज करोगे उतनी दफ़ा ये स्ट्रांग होता जाएगा और फिर आपको नहीं भूलेगा. लेकिन इट्स नॉट कि आप एक दो दफ़ा पढ़ के अगर एग्जाम देने चले जाओगे तो एग्जाम में आपका बहुत सारा कंटेंट है. इट्स लाइक अभी तो कभी कॉम्पोजिट और बॉन्डिंग का टेस्ट हो रहा है, कभी GIC का हो रहा है, कभी मेलगम का हो रहा है, कभी सिर्फ जिप्सम का हो रहा है. आगे जाके जब ये सारी चीज़ों का इकट्ठा होगा तो इन सारी चीज़ों में एक एक उसकी बहुत सारी कॉम्पोजिशंस, प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, तो सबका मिक्सअप होने के चांसेस बहुत होते हैं. तो इसलिए इसको बार बार रिवाइज करना होता है. बार बार रिवाइज करोगे तभी आप लोगों को याद रहेगा, अदरवाइज एक दो दफा पढ़ने से कभी भी याद नहीं रहता. सेकेंड ईयर ऑल सिरेमिक्स
कि फाइव टाइप्स में से एक टाइप जो आज हम पढ़ेंगे ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स की, जिसको स्लिप कास्ट सिरेमिक्स भी कहते हैं, इसकी समझ आई है अभी तक कि कैसे फैब्रिकेट करते हैं? रिफ्रैक्टरी मटेरियल का डाई होता है जिसके ऊपर हम अगर एलुमिना कोर वाली बनानी है सिरेमिक, तो हम एलुमिना पाउडर को मिक्स करते हैं लिक्विड के साथ मिक्सिंग यूनिट में और उसको अप्लाई करते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल वाले डाई के ऊपर, और वो डाई एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, और उसके बाद फिर हम इसको ड्राई करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 आवर्स के लिए, फिर 10 आवर्स के लिए हम इसको और हीट करते हैं, सिंटर करते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ग्लास पाउडर डिस्टिल वाटर में मिक्स करके वो लगा देते हैं, उसकी थिक एक दो थिक कोट्स लगा देते हैं, ईच कोट शुड बी 1 to 2 millimeter इन थिकनेस। और उसके बाद हम इसका वो जो ग्लास होता है वो मेल्ट करता है, मेल्ट करके एलुमिना कोर के अंदर थ्रू कैपिलरी एक्शन इनफिल्ट्रेट कर जाता है, और कुछ जो ऊपर रह जाता है वो बाद में हम डायमंड बर्ड से रिमूव कर लेते हैं। ये जनरल सा एक प्रोसेस समझ आया है? सीरतुल अरूज आप सब कुछ करो, फार्मा माइक्रो डीएम कम्युनिटी और पैथो, वो माइक्रो हो गई, सारे करो, जो पास करने हैं वो पढ़ो। ओके, इन एडवांटेजेस ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स आल्सो कॉल्ड स्लिप कास्ट सिरेमिक्स हैव गुड फिट एंड मार्जिनल अडेप्टेशन। इसकी फिट जो कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, जो खाली पोर्सलिन जैकेट क्राउन थे जिसके अंदर मेटल का कंपोनेंट नहीं था, उसकी फिट इतनी अच्छी नहीं आती, इसकी फिट बहुत अच्छी आती। नंबर वन। नंबर टू, इट हैज गॉट गुड स्ट्रेंथ व्हेन इट इज कंपेयर टू ऑल सिरेमिक क्राउन्स। ऑल सिरेमिक क्राउन्स जिसमें इस तरीके से जो फैब्रिकेट नहीं किए होते ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक से, इसकी स्ट्रेंथ उनसे बेहतर है। जो पहले आप लोगों को पढ़ा था कंडेंस सिंटर्ड की जो टाइप्स थी, ये ऑल सिरेमिक की जो बाकी टाइप्स हैं उनके कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ, जो ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स होते हैं, स्लिप कास्ट सिरेमिक्स होते हैं जो इस प्रोसेस से फैब्रिकेट किए जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बेहतर होती है, इनकी मार्जिनल फिट भी बहुत बेहतर होती है। लेकिन इनके डिसएडवांटेजेस में ये है कि फ्रैक्चर बहुत ओकेजनली होते हैं और ये फैब्रिकेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इफ़ यू गो इनटू द प्रोसीजर आपको एक तो दो तरह के डाई चाहिए होंगे, फिर आपको एक दफ़ा उसको हीट करके ड्राई करना है एलुमिना कोर को, फिर उसके बाद उसको सिंटर करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर ग्लास पाउडर डिस्टिल वाटर में मिक्स करके लगाना है, फिर उसको हीट करना है, फिर वो मेल्ट करके जाएगा, फिर उसकी फिनिशिंग करनी है डायमंड बर्ड से, उसको एक्स्ट्रा ग्लास को रिमूव। तो इट्स अ टेडियस प्रोसेस, दैट विल बी अ डिसएडवांटेज एंड इट कंपैरेटिवली लेस एस्थेटिक्स बिकॉज ऑफ द ओपेसिटी ऑफ एलुमिना कोर। अच्छा, आप लोग ये चीज़ याद रखना, एलुमिना कोर जहाँ पे लगेगा, जहाँ पे यूज होगा, उसका मतलब है कि वो ज़्यादा ओपेक है, ज़्यादा ओपेसिटी देगा, कम ट्रांसलूसेंसी देगा। तो ज़्यादा ओपेसिटी देगा तो इसका मतलब है हम इसे ऐसे दांतों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जो डिसकलर हुए हुए हैं, जो दांत डिसकलर नहीं हुए हुए, जो दांत बिल्कुल ठीक है, जिसमें इतना मसला नहीं है, उसके ऊपर हम कोई ट्रांसलूसेंट टाइप का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलूसेंट मटेरियल के अंदर से लाइट थ्रू एंड थ्रू पास करती है और वो पीछे वाले दांत का शेड नज़र आता है। लेकिन अगर दांत डिसकलर हुआ हुआ है फॉर एनी रीज़न, बीट नेक्रोसिस और एनीथिंग, उसकी वजह से अगर इसका दांत ऑलरेडी किसी पेशेंट का इतना ब्लैक हुआ हुआ है या इतना डिसकलर हुआ हुआ है, तो उसके ऊपर हम ट्रांसलूसेंट टाइप का सिरेमिक नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर हम ओपेक सिरेमिक लगाएंगे जिसमें ओपेसिटी ज़्यादा हो, और जिसमें एलुमिना कोर होगा उसकी ओपेसिटी ज़्यादा होगी, ओपेसिटी ज़्यादा होगी तो अंदर का डिसकलर टूथ नज़र नहीं आएगा। लेकिन ओपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी थोड़ी सी एस्थेटिक्स भी कम होंगी बाकियों से।
क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेसिटी इज नीडेड टू गिव इट द परफेक्ट मैच विद द ओरिजिनल टूथ. अमंग द यूजेस, इट्स यूज फॉर इनलेज, ऑनलेज, विनियर्स फैब्रिकेशन एंड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ लो स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज वाले ग्राउंड, बीट इन इंटीरियर्स और पोस्टीरियर्स. जहाँ पे स्ट्रेस कम होगी वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं. दिस मटीरियल कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट लो स्ट्रेस इंटीरियर फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स. पार्शियल डेंचर भी बनाया जा सकता है फॉर पीपल एलर्जिक टू मेटल बेस्ड रेस्टोरेशंस, जिसमें हम PFM नहीं लगा सकते, उसमें हम इस टाइप का सिरेमिक यूज कर सकते हैं. एंड वेयर एस्थेटिक्स इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, वहाँ पे हम इसका यूज कम करेंगे क्योंकि इसमें एलुमिना कोर है, दैट गिव्स ओपेसिटी. नेक्स्ट इज इन सेरम स्पिनल, इट इज एन ऑफ शूट ऑफ इन सेरम एलुमिनिया. ये इन सेरम एलुमिनिया की एक और अलग ब्रांच है, जिसमें इसमें इन सेरम एलुमिना वो टाइप थी ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक की, जिसमें हमने एलुमिना कोपिंग यूज़ की, एलुमिना कोर यूज़ किया. इसमें हम स्पिनल कोर यूज़ करेंगे. उसी तरह से स्पिनल मटीरियल है एक, दैट इज मैग्नीशियम एलुमिनियम ऑक्साइड. इसमें बेसिकली इन सेरम एलुमिना में एलुमिनियम पाउडर था, दैट वॉज एलुमिना ऑक्साइड. इसमें मैग्नीशियम ऐड कर देंगे तो एक स्पिनल मटीरियल बनता है, दैट इज मैग्नीशियम एलुमिनियम ऑक्साइड. इस मटीरियल की कोपिंग होगी और फेब्रिकेशन वैसे ही होगी जैसे हमने इन सेरम एलुमिना की थी. जैसे एलुमिना की कोपिंग बनाई थी रिफ्रैक्ट्री मटीरियल के डाई के ऊपर, फिर उसको ड्राई किया था 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए, फिर उसको सेंटर किया था, एक्सेस हीट किया था 10 आवर्स के लिए 1100 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड पे. उसी तरह से उसकी कोपिंग बनाएंगे, इसमें इस केस में स्पिनल कोपिंग बनाएंगे और उसके ऊपर फिर हम ग्लास पाउडर को डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करके वो जो एक मिक्सचर बनेगा उसकी थिक कोटिंग, एक जो या दो कोट अप्लाई करेंगे इस कोपिंग के ऊपर, स्पिनल कोपिंग के ऊपर. और ईच थिकनेस ऑफ दैट कोट शुड बी 1 to 2 millimeter. और उसको अप्लाई करने के बाद हम उसको हीट करेंगे. हीट करने से ये होगा कि वो ग्लास मेल्ट कर जाएगा. मेल्ट करके वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए आपके कोपिंग के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा और जो एक्सेस बाहर रह जाएगा वो डायमंड बर से रिमूव कर लिया जाएगा. तो ये फैब्रिकेशन सेम है लेकिन इसमें स्पिनल कोपिंग है, तो इसलिए इन सेरम स्पिनल कहेंगे. उसमें एलुमिना कोपिंग थी, इन सेरम एलुमिना कहते हैं. इसी तरह जिरकोनिया कोपिंग होगी तो उसको इन सेरम जिरकोनिया कहते हैं. तो बेसिकली ये डिफरेंट इसलिए हैं कि इनके थोड़े थोड़े यूजेस इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन की वजह से. उसमें एलुमिना था, एलुमिना का आप लोगों को बताया था कि एलुमिना जिस जहाँ पे एस कोर यूज़ हो रहा हो तो उसका मतलब है कि उसमें उस टाइप ऑफ सिरेमिक में ओपेसिटी ज़्यादा होगी और ओपेसिटी वाला सिरेमिक हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने पीछे वाले दांत के कलर को छुपाना है. और कलर को हम तब छुपाएंगे अगर वो डिसकलर हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल दांत निक्रोज था, उसकी निक्रोसिस हुई हुई थी, वो ब्लैक कलर का हुआ हुआ है. अब हमने उसके ऊपर क्राउन लगाना है तो हमने कलर को छुपाना है. तो कलर को छुपाने के लिए हमें ज़्यादा पैक सिरेमिक मटेरियल का क्राउन यूज़ करना है, यानी ऐसा जिसकी ओपेसिटी ज़्यादा हो. तो एलुमिना की ओपेसिटी ज़्यादा होती है और इस वजह से हम इन सेरम एलुमिना यूज़ करेंगे. स्पिनल की ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा होती है तो ये हम तब यूज़ करेंगे अगर आपका दांत हेल्दी वाइट है, इस डिसकलर नहीं हुआ हुआ और हमें इसके कलर को छुपाने की ज़रूरत नहीं है. हम इसको ट्रांसलूसेंट मटीरियल का सिरेमिक क्राउन दे के इसको ज़्यादा नेचुरल लुक दे सकते हैं तो हम इन सेरम स्पिनल यूज़ करेंगे. इट्स हाई ट्रांसलूसेंसी मेक्स इट अ मटीरियल ऑफ चॉइस फॉर क्राउन्स एंड रेस्टोरेशंस इन एस्थेटिक इंटीरियर क्राउन्स एंड स्ट्रेस फ्री जोन्स. सो इन अ सिनेरियो अगर आपके MCQ में क्वेश्चन आए, आपके पास एक पेशेंट आया है, उस पेशेंट के दांत में नेक्रोसिस हुआ है, तो गेटेड नेक्रोसिस हुआ है या कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जिसमें आप दांत डिसकलर हुआ है, आपको ये पता चला हो कि दांत डिसकलर्ड है, उसके लिए आपने एडवाइस करना है कि कौन सा क्राउन आप एडवाइस करोगे.
तो यू शुड नो अगर पोस्टीरियर्स का है तो इट द चॉइस विल बी पीएफएम, अगर इंटीरियर्स का है तो चॉइस विल बी ऑल सिरेमिक. ऑल सिरेमिक में से भी अगर आगे कौन सी चॉइसेस हैं आपके पास उसमें फिर आप लोग उस डिस्कलरेशन वाले को देखोगे. अगर डिस्कलर्ड नहीं है तो फिर आप इन सेरम स्पिनल यूज़ करोगे. इन सेरम स्पिनल में ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा है इस मटेरियल में, तो ये इसको मास्क करने की ज़रूरत नहीं है अंडरलाइंग टूथ के कलर को. लेकिन जहाँ पे ये बताया हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन दी गई हो जिसमें दांत डिस्कलर हो जाता है, तो उस केस में हम ओपैक मटेरियल वाला सिरेमिक क्राउन यूज़ करेंगे. और ओपैक मटेरियल वाला सिरेमिक क्राउन है जिसमें एलुमिना कोर हो, दैट इज़ इन सेरम एलुमिना. Among the contraindications, the high translucency contraindicates in a situation where the underlying tooth is severely discolored and needs to be masked. तो लेकिन इन सेरम स्पिनल जैसे आप लोगों को पहले बताया डिस्कलर्ड होगा तो हम इन सेरम नहीं यूज स्पिनल नहीं यूज करेंगे, इन सेरम एलुमिना यूज करेंगे. Its low strength contraindicates it for posterior situations and FPDs. ये इतनी strength wise अच्छा नहीं होता, इसलिए posterior restorations के लिए it is contraindicated. और partial dentures के लिए भी it is contraindicated. Whereas in serum alumina was indicated for fix partial dentures so in serum alumina ki strength achhi hai lekin opaque hai to jahan pe discolored dant ke upar lagana hoga crown to us case mein use karenge. In serum spinal translucent hai to jahan contraindicated kahan pe hoga, जहाँ पे दांत डिस्कलर्ड है. इंडिकेटेड कहाँ पे होगा, जहाँ पे दांत डिस्कलर्ड नहीं है. इसकी स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये पोस्टीरियर्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और फिक्स पार्शियल डेंचर्स के लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. नेक्स्ट इज इन सेरम जर्कोनिया. जर्कोनिया इज नेचुरली अकरिंग मिनरल, क्रिस्टल्स ऑफ इट आर यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डायमंड. ये कुछ लोग डायमंड की जगह भी यूज कर लेते हैं, मतलब इट्स सो एक्सपेंसिव एंड सो लाइक डायमंड. इन सेरम जर्कोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ थ्री ग्लास इनफिल्ट्रेटेड कोर मटीरियल्स. सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी है, स्पिनल वाले की जो ट्रांसलूसेंट है, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है एलुमिना वाले की, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है जर्कोनिया वाले की. इसमें इन सेरम जर्कोनिया में 30% बाई वेट जर्कोनिया होता है और 70% बाई वेट एलुमिना होता है. इट्स highest strength makes it material of choice for posterior crowns and short span partial dentures in high stress areas. strength achhi hai, basically basics yaad rakh lo ki iski opacity zyada hai, iski translucency zyada hai, iski strength zyada hai, iski kam hai, to aapko indications contraindications khud soch ke sari likh sakte ho. ab spinal ki strength kam thi, translucency zyada thi, to iski spinal ki in serum spinal jo type thi uski contraindications mein था कि डिस्कलर्ड दांत पे नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रांसलूसेंट है. इंडिकेशंस में क्या होगा कि नॉन डिस्कलर्ड दांत पे आप लगा सकते हो. उसकी स्ट्रेंथ कम थी तो इसलिए वो पोस्टीरियर्स के लिए और फिक्स पार्शियल डेंचर्स के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था. अब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो ये इंडिकेटेड है फिक्स पार्शियल डेंचर्स के लिए और स्ट्रेस बेरिंग एरियाज शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस के लिए. इन केसेस वेयर देयर इज सीवियर डिस्कलरेशन उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम इन सेरम एलुमिना भी यूज कर सकते हैं दैट हैज गॉट ओपेसिटी. उसमें हम जर्कोनिया भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट मास्क डिस्कलर टीथ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर ओपेसिटी. इट इज नॉट पर्टिकुलरली सूटेड फॉर एस्थेटिक जोन्स बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर ओपेसिटी. तो जहाँ पे ओपेसिटी ज़्यादा हो गई वहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा. सो इन सेरम एलुमिना, इन सेरम स्पिनल, इन सेरम जर्कोनिया, दीज आर द थ्री सब टाइप्स ऑफ ग्लास इनफिल्ट्रेटेड और स्लिप
कास्ट सिरेमिक्स इस टाइप की ये तीन आगे से सब टाइप्स हैं। एलुमिना की स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन ओपैक है, स्पिनल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है और ट्रांसलूसेंट है, जर्कोनिया की स्ट्रेंथ भी दोनों से बेहतर है और ये ओपैक भी है। ओपैक है तो डिस्कलर दांतों के ऊपर तो लग जाएगा लेकिन जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स चाहिए वहाँ नहीं लग सके, तो वहाँ के लिए फिर हम स्पिनल वाला लगाएंगे। एनी क्वेश्चन? आज हमने यही पढ़ना था। सेकेंड ईयर एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।